नमस्कार, रूप श्रृंगार सपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइस। फिर हाजिर है एक नए प्रोडक्ट को लेके, और जो आज का हमारा प्रोडक्ट है गाइस, स्विस ब्यूटी का ब्राइटनिंग स्लीपिंग मास्क। जी हाँ गाइस, स्विस ब्यूटी का ब्राइटनिंग स्लीपिंग मास्क। अब ये क्या क्लेम करता है गाइस? ये क्लेम करता है मॉइस्चराइज द स्किन वेरी वेल, नरिशेस द स्किन ओवरनाइट, और डेजी फ्लावर है इसमें और ग्लिसरीन है। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, इसमें डेजी फ्लावर और ग्लिसरीन है। इस मास्क की अगर आपको MRP की बात की जाए तो 350 रुपये है, जो कि आपको ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन रूप श्रृंगार सपना में ओनली 230 रुपीज़ का अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी 50 ग्राम की पैकेजिंग है। इसके इंग्रेडिएंट आप लोग ध्यान से देखिए गाइस, इसके इंग्रेडिएंट। जी हाँ गाइस, अब बात की जाए इसकी गाइस, तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, इसमें डेजी फ्लावर तो है ही है, इसमें ग्लिसरीन भी है गाइस। तो ये कैसा मास्क है? ये गाइस स्लीपिंग मास्क है, जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे हो, स्लीपिंग मास्क। इसको क्या करना है, आपको लगाना है, 2 मिनट ऐसे मसाज करना है बढ़िया से, ताकि इजिली अब्जॉर्ब स्किन में हो जाए। अब 5 से 7 मिनट में इजिली अब्जॉर्ब आपकी स्किन पे हो जाता है, और आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। जब दूसरे दिन पे आप देखोगे गाइस, तो आपकी स्किन बिल्कुल बबली रहेगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ रहेगी। यह आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, सुपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए वरदान है, जिनकी ड्राई पैची स्किन है उनको भी सही करता है। अब ये किन स्किन वालों के लिए सही नहीं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा विंटर्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं विंटर सीजन आ गए, तो विंटर सीजन में ऑयली स्किन वाले को भी हाइड्रेशन की और नरिशमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये सेंसिटिव स्किन और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए नहीं है गाइस। बात की जाए गाइस, ये आपकी स्किन को अच्छे से नरिश तो करता ही करता है। बात की जाए इसकी फ्रेगनेंस की, तो गाइस इसकी बहुत स्ट्रांग फ्रेगनेंस है। जैसे आप कुकुम्बर जेल की फ्रेगनेंस या फ्रेश फ्लावरिंग टाइप की जो फ्रेगनेंस होती है उससे रिलेट कर सकते हो। तो ठंडियों में जिनको बहुत बेहतरीन ब्राइटनिंग मास्क चाहिए गाइस, तो मैं इसको रेकमेंड करूंगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी बाहर की पैकेजिंग तो देख चुके हो, ये इसकी अंदर की पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग डॉट एंड की के जो प्रोडक्ट्स आते हैं गाइस, जी हाँ गाइस, डॉट एंड की के जो प्रोडक्ट आते हैं सेम वैसी ही कॉपी है। और इसकी कंसिस्टेंसी की बात की जाए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी गाइस। ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है, ये जेल बेस है, नाइदर थिक है नाइदर थिन है। ये आपके स्किन पे इजिली ऑब्जॉर्ब हो जाता है, 5 से 7 मिनट लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। पर मैं गाइस आपको ये बता दूं, अगर आप लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं है तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड करूंगा। एक्ने प्रोन स्किन वालों को भी रेकमेंड नहीं करूंगा, सेंसिटिव स्किन वालों को भी रेकमेंड करूंगा, ड्राई स्किन वालों को रेकमेंड करूंगा, नॉर्मल स्किन वालों को भी रेकमेंड करूंगा, और ऑयली स्किन वालों को भी रेकमेंड करूंगा, लेकिन ऑयली स्किन वालों को विंटर्स के लिए। गाइस की पैकेजिंग तो आपने देख ली है। बात की जाए गाइस, जैसे मैंने बताया, ये 350 MRP में आता है, ये ट्रेवल फ्रेंडली है, पैराबिन फ्री है, और गाइस पैराबिन फ्री के अलावा क्रुएल्टी फ्री भी है। तो ये बहुत अच्छा मास्क है ठंडियों के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट लगाएंगे गाइस, तो सुपर दूसरे दिन आपको बहुत अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखेगा। एक बार में कभी ब्राइटनिंग इफेक्ट नहीं दिखता, कम से कम 6-7 बार आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आपने कभी कभी फेशियल किया होगा, तो फेशियल के बाद आपको पार्लर वाले रेकमेंड करते हैं कि दूसरे दिन पे आप फेस वॉश मत यूज करें। वैसे ही मैं भी रेकमेंड करूंगा, क्योंकि जब आप इसको ओवरनाइट लगाएंगे तो आपकी स्किन को अच्छे से नरिश तो करेगा ही करेगा, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करें, ताकि स्किन पे आपके वो जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है बना रहे। नमस्कार।